भोपाल से मिल रही है, कमलनाथ के बंगले पर बैठक होगी, नगर पालिकाओं के प्रभारियों सह प्रभारियों की ये बैठक होगी। कांग्रेस के कई विधायकों को नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया है, अहम बैठक है ये जो कि कमलनाथ के बंगले पर होगी। बता दें कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति भी तैयार हो सकती है। चुनाव की तारीख है, निर्वाचन आयोग का काम है तारीखें तय करना और सरकार का काम है, लेकिन हम लोगों का धर्म है कि हम अपनी तैयारी को पूरा रखें और कोई कसर नहीं रहे, इसलिए नीचे तक सही जानकारी प्राप्त हो पाए और मुस्तैदी से हमारे कार्यकर्ता लग पाए, इसके लिए तैयारी पहले से ही शुरू की जा रही। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वासु चौरे लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, कमलनाथ के बंगले पर यह बैठक आयोजित की गई है, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है आगामी नगरीय निकाय चुनाव, क्या इस बैठक में उसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी? चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे और कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय चुनाव एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है और कमलनाथ के लिहाज से खासकर इन चुनावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने दावा किया था कि मैं एक बार फिर मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, लेकिन उनके दावा जो है वो बीजेपी के संगठनात्मक व्यूहरचना के सामने फेल साबित हुआ। भाजपा सभी लगभग ज्यादातर सीटों पर चुनाव जीती, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर एक जो बड़ी बात इस पूरी बैठक से निकल कर आ रही है वो ये है कि जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी रहे 2018 में, चाहे विधायक पद के लिए हों या सांसद पद के लिए हों, उन सभी को अहम जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी इन पूरे नगरीय निकाय चुनाव के दौरान। जो 16 नगर निगम है मध्यप्रदेश में, उनके प्रभारियों तो जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस सरकार के, उनको उनका प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन जो निकाय चुनाव है, नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव होना है, पंचायतों के जो चुनाव होना है, उसके लिए विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा रही है। और जिस तरीके से इन चुनावों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना है, तो महिलाएं भी और जो महिला कांग्रेस की पदाधिकारी हैं वो भी बड़ी संख्या में यहां पर बैठक में शामिल होने पहुंची हैं, तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और सभी क्षेत्रों में जो सह प्रभारी का पद है, चाहे प्रत्याशी चयन समिति की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, महिलाओं को सह प्रभारी जरूर बनाया गया है और हर समिति में महिलाओं को जगह दी गई है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कमलनाथ के बंगले पर ये बैठक हो रही है, नगर पालिकाओं के प्रभारियों सह प्रभारियों की ये बैठक है, तो कांग्रेस के कई विधायकों को नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया है।